हेलो गाइस, दिस इज मिज़ा ओलसन एंड यू आर वाचिंग हसन आर्ट स्टूडियो। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका बोर्ड एग्जाम 2023 में होने वाला है। और उसके साथ एक और अनाउंसमेंट है, यहाँ पर हम कोलाबरेट कर रहे हैं विद समर स्टडी हॉल गर्ल्स स्कूल एंड रोटरी क्लब काशीपुर फॉर ऑनलाइन इंग्लिश आर्टिकल राइटिंग कॉम्पिटिशन, जो कि 30 जून को होने वाला है। और उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं ईजिली हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के, वहाँ पर आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाकर अपने आप को एनरोल कर सकते हैं और अपने आपको रजिस्टर कर सकते हैं। और इसका कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा है। और वहां पर प्राइजेस हैं आपके, अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं तो आपको प्राइज मिलेगा, प्लस फर्स्ट सेकंड थर्ड के बाद जो 20 स्टूडेंट होंगे उनको भी यहां पर प्राइज मिलेगा और बाकी स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के अपने आप को एनरोल कर सकते हैं उसमें, अगर आप हैं अच्छे राइटिंग में। और अगर आपके फ्रेंड्स अगर राइटिंग में अच्छे हैं तो उनको भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं या फिर लिंक शेयर कर सकते हैं उसका। चलिए अब आते हैं आपकी वीडियो पर, जो 2023 में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं तो उनको यहां पर प्रॉब्लम्स आ रही है कि अभी हमारी नई वीडियोस नहीं आ रही हैं। तो वो नई जो वीडियोस हैं हमारी वो जुलाई से आनी शुरू होंगी, और जो हमारी पुरानी वीडियोस हैं उनमें से आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि कौन सी वीडियो हम देखें, कौन सी से प्रिपरेशन करें जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हो। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी यहाँ पर लिंक दूंगा मैं, यहाँ पर उसकी पूरी एक प्लेलिस्ट हम यहाँ पर तैयार करेंगे जो कि 2023 के लिए होगी। उसका नाम होगा प्लेलिस्ट फॉर 2023 ओल्ड, ठीक है। जो न्यू प्लेलिस्ट आएगी तो उस पर न्यू लिख देंगे हम, तो आप लोगों को वहाँ से पता चल जाएगा। तो अभी आप एक महीने तक उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर जून में जो आपकी छुट्टियाँ चल रही हैं या फिर आप अभी फ्री हैं तो यहाँ पर आप पेंटिंग की फाइल बना सकते हैं, अपनी जो पोर्टफोलियो आपको बनाना है वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आप उसमें 10 to 15 ड्राइंग अभी करके रख सकते हैं, पेंटिंग आप बना करके रख सकते हैं। उनका जो पेंटिंग्स के जो हमारे वीडियोस हैं उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोगों को जो प्रॉब्लम हो रही है, जो आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो कि नई वीडियोस नहीं आ रही हैं, तो नई वीडियोस में जो सिलेबस आने वाला है वो वही सिलेबस है जो 2022 के लिए था, बट यहाँ पर हमें दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, टर्म वन एंड टर्म टू में, और जो कि अब एक जगह जोड़ दिया गया है। तो उसकी वीडियोज़ मैं आपको शेयर कर दूंगा यहाँ, उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे, तो आप वहां से जाकर के प्रिपरेशन कर सकते हैं, वहां से अपने जितने भी डाउट हैं आप क्लियर कर सकते हैं। और जो आपका नोट्स आने वाला है, नोट्स अभी प्रिपरेशन में उसमें टाइम लग रहा है, क्योंकि हम जो उसमें असाइनमेंट देने वाले हैं, जो असाइनमेंट आपके जो न्यू एग्जाम पैटर्न के हिसाब से होगा, तो उसमें अभी टाइम लग रहा है, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न है वो भी अभी नहीं दिया गया है CBSE के द्वारा। बट मुझे लगता है कि वो जो एग्जाम पैटर्न होने वाला है वो 2021 में जैसा आया था उस हिसाब का होगा, क्योंकि वो एक ही साल आया था, उसी साल आया था, तो उसी हिसाब से हम उसमें प्रिपरेशन कर रहे हैं। सारे चैप्टर के बाद हम एक एक असाइनमेंट आपको उसमें देंगे ताकि आप अपनी प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू बोर्ड कर सकें, और वो टीचर्स के लिए भी काफी हेल्पफुल रहेगा। वहां से असाइनमेंट से आप क्वेश्चन उठा करके आप अपने क्वेश्चन पेपर्स बना सकते हैं, वो बहुत ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए। तो ऐसा हम नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं आपके लिए, तो आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा और आपको इससे काफ़ी नॉलेज मिला होगा और आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और आप प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं अभी से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।